हेलो स्टूडेंट्स, आज हिस्ट्री के फिफ्थ चैप्टर किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक में हम जनपद और महाजनपद के बारे में जानेंगे। तो पहले जनपद क्या है इसके बारे में जानेंगे हम। तो जनपद वह स्थान होता है जहां पर लोग अपने पैर सेट करते हुए बस जाते हैं। जनपद में सामान्य लोग रहते थे जो एक बस्ती के रूप में होता था, वो बस्ती रहता था जनपद में। इस तरह से महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे थे उस समय। फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने इस प्रकार के कई जनपदों के कई बस्तियों को खुदाई की, जैसे में दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा में की, जहां पाया कि या कि जो लोग उस समय जनपदों में रहते थे वे लोग झोपड़ी में रहते थे उस समय, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला। और वे लोग मवेशियों के साथ साथ अन्य जानवरों को भी पालते थे। और वे लोग चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल तथा सरसों के भी फसलों को उगाते थे उन लोग, ठीक है। और लोग मिट्टी के बर्तन भी उस समय बनाते थे जिसमें कुछ था जो ग्रे कलर के और कुछ रेड कलर के होते थे। उस समय जो बर्तन बनाते थे मिट्टी के, जो यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट लोग के, जिसे चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। और इस बर्तन पर पेंटेड डिजाइन भी किया गया है, जो क्या है, वो एक सिंपल लाइन में है और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के रूप में बना हुआ है। उस पर पात्र पर देख रहे हैं इसमें है, बना हुआ है, ठीक है। अब हम जानेंगे महाजनपद के बारे में। तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपदों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा था। यही मैंने जो जनपद छोटा से बड़ा हो गया वही महाजनपद कहलाया बाद में। वही कह रहा है कि कुछ जनपद को अधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा था जो साधारण जनपद के मुकाबले काफ़ी बड़ा होता था। जो बड़ा है जनपद वही महाजनपद बन गया। उन्हीं जनपद को महाजनपद के रूप में जाना जाता था उस समय, बड़ा जनपद को महाजनपद के रूप में जाना जाता था। और अधिकतर महाजनपद में एक राजधानी होते थे, जिनमें से कई के किले बंद कर दिए गए थे महाजनपद के, मतलब इसके चारों ओर लकड़ी, ईंटें और पत्थर की दीवारें, विशाल दीवार बनाई गई थी जो अन्य राजाओं के आक्रमण से बचने के लिए बनाते थे। और कुछ राजा ऐसा था जो अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तथा लोगों को उस क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए भी किले बंद किए जाते थे उस समय, ठीक है। उस समय महाजनपद की संख्या 16 शायद थी, ठीक है। और ये जो किला बनाने में हुआ था, बनता था, उसमें लाखों की संख्या में ईंट पत्थर का इंतजाम भी करना पड़ता था, जिसमें हजारों लोग, लेबर लोग इसमें काम करते थे, तब जाकर एक किला का निर्माण होता था, ठीक है। आगे हम जानेंगे हम टैक्स के बारे में, टैक्सेस, कर क्या था, कर कैसे लगाते थे उस समय राजा। जब राजा महाजनपदों में विशाल किले बनवाते थे और बड़ी संख्या में सेना भी रखते थे, और जो सेना रखते थे उसमें कर्मचारी की भी आवश्यकता था, जिसको पूर्ति करने के लिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की जरूरत होती थी। इसलिए राजा ने एक नियमित रूप से
एक टैक्स वसूलने लगे थे, जैसे में फसल के उपज के 1/6 हिस्सा एक कर के रूप में यानी टैक्स के रूप में निर्धारित किया था। जितना उपज होता है फसल का 1/6 वो टैक्स के रूप में ले लेंगे, जिसे उस समय भाग कहा जाता था। और कारीगर के ऊपर भी टैक्स लगाए जाते थे, जिसे उसको महीने में एक दिन राजा के लिए काम कर के चुकाया जाता था टैक्स को, मतलब महीना में एक दिन जरूर राजा के लिए करना है। और पशुपालक लोग थे जो जानवरों और उनको उत्पादों के रूप में उन्हें टैक्स देना पड़ता था, तथा तो व्यापारियों को सामान खरीद बिक्री पर भी टैक्स देना पड़ता था, और आखेटकों तथा संग्राहकों को भी टैक्स के रूप में जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। ठीक है, फिर आगे है एक है पॉइंट है चेंज इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि में परिवर्तन किस प्रकार से हुआ, क्या हुआ उस समय। तो उस युग में दो बड़ा एग्रीकल्चर में चेंज आए थे। पहला था कि हल के फाल जो होते हैं आगे से जिससे जुताई किया जाता है, जो पहले लकड़ी के होते थे, जिसे अब लोहे के बनाने लगे थे, जिससे अब क्या होता था कि जो हार्ड मिट्टी भी है वो उसका भी आसानी से जोतने लगे थे। और दूसरा परिवर्तन क्या हुआ था, चेंज हुआ था कि धान के पौधों को रोपना शुरू कर दिए। पहले क्या था, धान के पौधों को रोपा नहीं जाता था, पहले धान को ये बीजों को बोकर धान उगाया जाता था, बुना जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, धान के पौधों को उगा कर उसे फिर रोपण किया जाने लगा, जिससे क्या हुआ, फसलों की उपज और बढ़ गई। और इस प्रकार के जो एग्रीकल्चर में जो काम करते थे, जिसमें ज़्यादातर दास दासी और भूमिहीन खेती और मजदूर ही रहते थे। ठीक है, आगे जानेंगे हम मगध और वज्जी महाजनपद के बारे में। ठीक है, ओके।